हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ट्रिकी सवाल है डिटरमिनेंट से। अगर डिटरमिनेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखते हैं इसको शॉर्टकट। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, के का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर इसको एक्सपैंड करके निकालने जाओगे, इसके साथ इक्वेट करने जाओगे, इट विल टेक टाइम। आपको क्या करना है, ए बी सी आप रख दीजिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन, तीनों वन रख दीजिए, पुट ए बी सी वन एंड सिंपली ये बराबर ये है तो हमेशा सही होगा। इसका मतलब यहां आ जाएगा टू वन 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 टू वन 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 टू एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू वन इंटू वन के, और के का वैल्यू यहां से क्या आ गया, फोर। बना करके देखिएगा कितना टाइम लगता है जनरल प्रोसेस से, ठीक है। तो यूज दिस ट्रिक एंड सेव योर टाइम। थैंक यू सो मच।